जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। अवंतीपुरा के आरमपुरा में ये एनकाउंटर हुआ जिसमें सभी 6 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी वहां पर जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी जिसके बाद ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू किया गया। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, पूरी जानकारी आप दें। देखिए, आज ये मध्यरात्रि में एक सूचना मिली थी कि जब आरमपोरा त्राल जो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में पड़ता है वहां कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। तुरंत इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया, ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पहले तो सूचना ये थी कि 2 से 3 मिलिटेंट्स वहां पर छुपे हुए हैं, लेकिन जब मुठभेड़ हुई तो कुछ इस तरह से फायरिंग हुई जिससे लगा कि नंबर जो मिलिटेंट्स का वहां पर है वो ज्यादा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है हमारे पुलिस सोर्सेज के हवाले से कि 6 मिलिटेंट्स को वहां मार गिराया गया है, उनकी बॉडीज दिख रही है, लेकिन बॉडी 6 बॉडी जरूर दिख रही है लेकिन अभी रिट्रीव नहीं कर पाए हैं क्योंकि ऑपरेशन अभी भी ऑन है। और इस पूरे इलाके में दक्षिणी कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं, फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रेल सर्विस को रोक दिया गया है और श्रीनगर और दक्षिणी कश्मीर में तमाम कॉलेज और स्कूल्स में जो है क्लास वर्क को सस्पेंड किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम न उत्पन्न हो। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि ये मिलिटेंट जो है शायद जुजाकिर मूसा का अंसारुल गजवतुल हिंद ग्रुप है उससे संबंधित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, क्या अभी खालिद वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है जिस तरह की जानकारी आ रही है, और कब तक चलेगा अगर जारी है तो? चलिए, आगे भी अपडेट हम खालिद से लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी शव बरामद करना बाकी है और सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है।